नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे PTT एग्जाम 2020 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसके एडमिट कार्ड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जा चुके हैं और यहाँ पर इसका एग्जाम आपके 16 सितंबर को होना निश्चित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास मात्र 5 दिन से इस बच जाते हैं और इन 5 दिनों में आपको ऐसा क्या करना है कि जिससे आपके 450 प्लस नंबर आ सके और बहुत ही कम समय में आप इसकी तैयारी को अच्छे से कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, देते हैं इसी बारे में आपको जानकारी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल जॉब लक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में स्थित बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए, जिससे PTT 2020 से रिलेटेड छोटी से छोटी सूचना का वीडियो आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आते हैं मुद्दे की बात पर कि PTT एग्जाम 2020 में इन 5 दिनों में ऐसा क्या करें जिससे आप 450 प्लस नंबर ला सकें। तो फ्रेंड्स, एक कड़वा सच, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर OBC कैटेगरी के बंदों के लिए 350 नंबर लाने पर भी कॉलेज नहीं मिलती हैं। पिछले 2 साल के परिणाम देखेंगे तो जो बंदे 350 प्लस नंबर लेकर आए हैं उन्हें कॉलेज नहीं मिलती हैं। SC ST कैटेगरी के बंदे के लिए 300 नंबर और उसी के साथ जनरल कैटेगरी के बंदों के लिए 400 प्लस नंबर लाने होते हैं तभी यहाँ पर आपको कॉलेज मिलती है, न कि आपकी मनपसंद की कॉलेज मिलती हैं। यदि आप अपनी मनपसंद की यानी चॉइस की कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कम से कम 420 से 450 अंक लाने होते हैं। तो इस एग्जाम को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो प्लीज बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर ईयर खराब हो सकता है। उससे बेहतर है आप इन 5 दिनों में कुछ ऐसा कर दिखाइए जिससे आप 450 प्लस नंबर ला सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको करना क्या है तो मैं आपको बता दूं कि PTT के जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से रहता है कि यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 देखने को मिलते हैं। इसके पेपर के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट मेंटल एबिलिटी का, दूसरा पार्ट टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का, तीसरा पार्ट जनरल अवेयरनेस का और चौथा पार्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। फ्रेंड्स, प्रत्येक पार्ट में यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिनकी मार्किंग यहाँ पर क्वेश्चन 3 नंबर यानी 150 नंबर के यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन की मार्किंग रहती है। यानी फ्रेंड्स, बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपके 200 क्वेश्चन होते हैं 4 पार्ट के और इनकी मार्किंग आपके 600 नंबर की रखी जाती है और इस 600 में से आपको 450 प्लस लाने ही हैं यदि आपको अपनी मनपसंद का कॉलेज चाहिए। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट वाइज यानी पार्ट वाइज कि आपको क्या करना है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यदि आप इस वीडियो को स्किप कर देते हो तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर 450 प्लस का सपना अधूरा रह जाएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे और यहाँ पर अच्छा सा कमेंट भी लिख कर जाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके पार्ट ए की, यानी जो सबसे पहला पार्ट इसका है वो है आपके टीचिंग एटीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का। फ्रेंड्स, इस पार्ट का यहाँ पर यदि आप कंटेंट कहीं पे देखेंगे तो आपको कुछ भी कंटेंट नहीं मिलेगा इस पार्ट से संबंधित। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर साल वही क्वेश्चंस आते हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसका लैंग्वेज कुछ अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपको उसी लहजे में उसी तरीके से पूछा जाएगा। साथ ही साथ इस पार्ट की एक खास बात यह है कि इस पार्ट में जिस क्वेश्चन के यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में 3 ऑप्शन इसके उत्तर होते हैं लेकिन एक उत्तर ऐसा होता है जो सबसे अधिक करेक्ट होता है, उसकी मार्किंग 3 नंबर की। दूसरे नंबर का ऑप्शन का उत्तर यहाँ पर 2 नंबर की मार्किंग और तीसरे नंबर का ऑप्शन का उत्तर यहाँ पर 1 नंबर की मार्किंग और यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा होता है जो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है, उसकी मार्किंग 0 नंबर की रहती है। तो फ्रेंड्स, इन 50 क्वेश्चंस को करते समय आपको यहाँ पर बड़ी ही सावधानी रखनी है, आपको उसी आंसर को टिक करना है जो यहाँ पर सबसे अधिक उचित और करेक्ट हो। अब इस पार्ट के 50 क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए और 150 में से कम 100 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं आपको यहाँ पर इस वर्ष BSTC 2020 के जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को लेकर, इसकी पूरी की पूरी PDF उपलब्ध करवा रहा हूँ। साथ ही साथ इसका वीडियो हल भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो आप उसको भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको इन 50 क्वेश्चंस को हल करना है, इनको समझना है कि इनका उत्तर आखिर करेक्ट ऐसा क्यों आया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है वाणी में भाषा का अविकसित होने का कारण है, भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, उचित प्रशिक्षण की कमी, जन्म से बहरापन, जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है उचित प्रशिक्षण की कमी। तो ये उत्तर आपको कैसे मिला इसका वीडियो हल आप चैनल पर उपलब्ध वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इन 50 क्वेश्चंस को पूरे अच्छे तरीके से देख लेना है और उसी के साथ BSTC 2018 के पेपर की PDF और उसका वीडियो हल भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स BSTC 2018 के पेपर में जो टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एटीट्यूड्स को लेकर क्वेश्चन आए थे 50, आपको उन 50 क्वेश्चंस को भी देख लेना है। यानी आपको कुल मिलाकर केवल और केवल 100 क्वेश्चन को देखना है इस पार्ट के लिए। यदि आप इन 100 क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फ्रेंड्स आपके अंदर वो एक विश्वास आ जाएगा कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको इन क्वेश्चंस को करते समय ध्यान रखना है कि बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको इन क्वेश्चंस को करना है, जिससे आप इसका वो ऑप्शन चूज कर पाएंगे जो बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसके लिए 3 नंबर की मार्किंग रखी गई है। तो मेरे हिसाब से आप इस सब्जेक्ट के पार्ट को पढ़ने के लिए किसी भी कंटेंट को नहीं पढ़ें, केवल और केवल इन 2 पेपर को ही सॉल्व करें, इन 2 पेपर को ही देखें, अच्छे से देखें, जिससे आप आने वाले पेपर के अंदर जो 50 क्वेश्चन आएंगे उनको बड़े ही आसान तरीके से कर सकेंगे। और यहाँ पे 150 में से केवल और केवल आपको 100 नंबर की मार्किंग करनी है, 100 नंबर का सोचकर चलना है। 150 में से 150 आते हैं तो अपना क्या जाता है। उसी के साथ फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी पार्ट सेकंड की, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बता दूं कि BSTC 2020 के पेपर में जो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस आए थे उनका यहां पर मैं आपको पीडीएफ है जो इस डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। साथ ही इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने अपने चैनल पर उपलब्ध करवा रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन किस प्रकार से यहां पर हल करना है उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको चैनल पर उपलब्ध करवा रखा है BSTC 2020 के रीजनिंग के क्वेश्चंस के संबंध में। और उसी के साथ आपको 2018 के पेपर में भी यहां पर जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व कर लेना है, इसका यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं खुद से, तो आपको यहां पर पता चल जाता है कि किस टॉपिक में आपकी वीकनेस है, आप उस टॉपिक को मजबूत करें इन 5 दिन के अंदर। यहां पर मान के चलिए कि बहुत ही जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, इसका लेवल बहुत ज्यादा आगे हाईफाई नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स करीब 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा कठिन लगेंगे आपको, लेकिन 45 क्वेश्चन्स आप आसानी से कर लेंगे। यानी रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का एक ऐसा पार्ट है PTT 2020 के एग्ज़ाम में जिसमें आप 150 में से 150 मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स इसके अगले पार्ट की, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको किसी एक लैंग्वेज को चूज़ करना है और उसके बारे में जानकारी आपको अपनी OMR सीट में भी देखने को देनी होगी। यहाँ पर कई लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछा था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही यहाँ पर आपको करना है क्या, तो फ्रेंड्स मैं उनको बता दूं कि केवल और केवल एक लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं और उसके संबंध में आपको OMR सीट में भी जानकारी देनी होगी। तो फ्रेंड्स इन दोनों ही लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस आते हैं इनके जो टॉपिक रहते हैं वो आपको पता है, ग्रामर में बिल्कुल सेम टॉपिक रहते हैं जिनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटेंस का हो यानी वाक्य का हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ग्रामर का क्वेश्चन है वो, चाहे वर्णमाला का क्वेश्चन है यानी वोकैबुलरी का क्वेश्चन है वो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसके जो भी टॉपिक यहाँ पर जिनसे रोज का रोज क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे तो मैं यहाँ पर आपको BSTC 2018 के पेपर की PDF दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि इन टॉपिक से आखिर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सब्जेक्ट से। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति ऐसे टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स इनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, तो वो तो आप कर ही लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको उन टॉपिक को कवर करना है जो आपको नहीं आते हैं, जिनके क्वेश्चंस के आंसर आप नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल संधि हो गया, समास हो गया, तो ये टॉपिक आपको डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे पढ़ने होते हैं तभी आप इन क्वेश्चंस को हल कर पाते हैं। तो आपको इन 5 दिनों में इन्हीं टॉपिक को, केवल और केवल इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। देन फ्रेंड्स अंतिम पार्ट यहाँ पर आता है जनरल अवेयरनेस का। इसके अंतर्गत आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स से संबंधित, इंडिया हिस्ट्री से संबंधित, साथ ही राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की जियोग्राफी, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आर्ट्स वाले भाई हैं मेरे, वो तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, लेकिन साइंस मैथ वाले जो भी बंदे हैं उनको इस पार्ट को करने में तकलीफ हो सकती है। तो उनको ध्यान रखना है कि उनको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी कंटेंट को नहीं पढ़ना है, वो चाहे तो यहाँ पर जो
2020 के BHTC में जो प्रश्न आए थे 50, उनको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसका भी यहाँ पर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि आखिर क्या यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे। और साथ ही 2018 के BHTC के पेपर में भी आपको इन क्वेश्चंस को देख लेना है कि क्या इस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट में बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, इतना यहाँ पर आपको इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेंटल एबिलिटी में यहाँ पर 2018-2020 के जो BHTC में प्रश्न आए हैं, 100 क्वेश्चंस को आप हल कर लीजिए। उनमें से आपको टॉपिक का पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक में आप वीक हैं, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर आपके कम से कम 150 मार्क्स आए हैं। और उसके बाद टीचिंग एटीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड में केवल और केवल आपको इन 100 क्वेश्चंस को ही देखना है और बार बार देखना है, जिससे आपको पता चल सके कि आपको इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से अटेंड करना, ताकि आप इस सब्जेक्ट में कम से कम 100 अंक ला सकें। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको तीसरे पार्ट में देखने को मिलता है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको कहा GK से संबंधित होते हैं, करंट अफेयर्स से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल 2018 और 2020 के BHTC में पेपर में जो 100 क्वेश्चन आए उनको देखना है। हो सकता है उनमें से कुछ रिपीट हो जाएं, बाकी यहाँ पर कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आप आसानी से कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कम से कम आपको 100 अंक ही लाने हैं, और उससे अधिक यहाँ पर लाने की चेष्टा भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर हर बंदे के इतने अंक नहीं आएंगे। हाँ, आर्ट्स वाले बंदे यहाँ पर 150 अंक भी ला सकते हैं। और उसके बाद आती है लैंग्वेज की बारी। तो लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से करना है ताकि आप 140-150 क्रॉस कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड तथा एटीट्यूड में 50 माइनस हो जाए तो चलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर ये GK और GA में आपके -50 हो जाए तो चलेगा। और यहाँ पर लैंग्वेज, ये मेंटल एबिलिटी में तो आपको 150 कवर करने ही है, लैंग्वेज में यदि आपके 50 माइनस हो जाए तो चलेगा। तो फ्रेंड्स, -150 हो जाए तो चलेगा, यहाँ पर आपका आंकड़ा 450 प्लस का रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे आइडिया से मैंने आपको यहाँ पर इतनी जानकारी दी। हो सकता है आपको ये उचित लगे या अनुचित, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल जॉब लक पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि PTT 2020 एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा मॉडल टेस्ट पेपर आपको यहाँ पर विद सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे हमारे चैनल जॉबलक पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। बने रहिए चैनल जॉबलक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।